बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी ग्रेड वन क्लास वन की साइंस की इस बुक से अपना अगला पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम जैसा पढ़ चुके थे उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो चले आए बच्चों, अब हम आपकी साइंस की इस बुक से अपना अगला पढ़ते हैं। तो बच्चों आपकी आज बुक पेज नंबर 20, इन योर बुक पेज नंबर 20 हमारे पास काम है, ठीक है। इन दीज पिक्चर्स मार्क द बिग एनिमल्स विद राइट, आपने टिक का निशान लगाना है बड़े एनिमल्स के लिए, एंड स्मॉल एनिमल्स विद रॉन्ग, ठीक है। आपने इस तरह का निशान लगाना है छोटे एनिमल्स के लिए, और ऐसे टिक का निशान लगाना है बड़े एनिमल्स के लिए, ठीक है। जो बड़े एनिमल्स हैं, बड़े जानवर हैं, उनके लिए आपने ऐसे टिक का निशान लगाना है, और छोटे जानवरों के लिए ऐसे क्रॉस का निशान लगाना है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास है आपके पास हिरन। सो हिरन जो आपकी है ये एक बड़ा जानवर है, बड़ा जानवर है, इसलिए हम ऐसे टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है। जो बड़े जानवर है हम ऐसे टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है हॉर्स, घोड़ा। सो घोड़ा जो आपका हॉर्स जो है ये भी आपका बड़ा जानवर है। सो हमने बड़े जानवरों के लिए कौन सा निशान लगाना था, टिक का, तो हम टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है, ऐसे टिक का निशान। फिर हमारे पास आता है कैमल। क्या आता है, कैमल, ऊंट, ठीक है। तो ऊंट हमारे पास जो है बड़ा जानवर है, बिल्कुल बड़ा जानवर, इसके लिए हम ऐसे टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है। कैमल जो है, ऊंट जो है हमारे पास बड़ा जानवर है, इसके लिए हम टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रैबिट। रैबिट आपका स्मॉल एनिमल है, देखिए छोटा जानवर है, ठीक है। देखिए हिरन आपका बड़ा जानवर था, इसकी टिक का निशान लगाया। हॉर्स आपका बड़ा जानवर था, इसकी टिक का निशान लगाया। कैमल, ऊंट आपका बड़ा जानवर था, इसकी टिक का निशान लगाया। अब आपके पास है रैबिट, ठीक है। खरगोश, खरगोश आपका छोटा जानवर है, इसलिए हम इसके लिए क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है। छोटे जानवर को कौन सा निशान लगा रहे, क्रॉस का, तो खरगोश के लिए हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद आपके पास है कैट। कैट इज ऑल्सो अ स्मॉल एनिमल, ठीक है। बिल्ली जो आपकी है ये भी एक छोटा जानवर है, इसके लिए भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। किसका निशान लगाएंगे, क्रॉस का। और फिर आपका लास्ट है एलिफेंट। सो एलिफेंट आप देखिए, हाथी जो है, हाथी आपका बड़ा जानवर है, ठीक है। हाथी जो है, एलिफेंट जो आपका बड़ा जानवर है, इसलिए इसके लिए हम आपके टिक का निशान लगाएंगे। किसका निशान लगाएंगे, टिक का। एक दफा दोबारा देख लें, सबसे पहले था हिरन, हिरन के लिए हमने टिक्का निशान लगाया। फिर हॉर्स था, उसके लिए हमने टिक्का निशान लगाया। कैमल बड़ा था, इसलिए हमने उसके लिए टिक्का निशान लगाया। रैबिट छोटा था, इसलिए हमने क्रॉस का निशान लगाया। कैट छोटी थी, बिल्ली, इसके लिए हमने क्रॉस का निशान लगाया। और फिर एलिफेंट आपका बड़ा था, हाथी, इसलिए हमने उसके लिए टिक्का निशान लगाया। तो ये थी आपकी कुछ जो कहते हैं आपकी एक्सरसाइज थी जो हमने आज सॉल्व की, कैसे बड़े जानवरों के हमें टिक के निशान लगाए, छोटे के लिए क्रॉस के निशान लगाए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। आपने लाजमी ये काम अपनी बुक्स पे उतारना है और करना है। अगली क्लास में आपको हम अगला पढ़ाएंगे। अब तक के लिए बच्चों इतना ही, अल्लाह हाफिज़।